कि जी सबसे अहम क्वेश्चन ये है कि आपने मास्टर कैसे किया। मैंने मास्टर कैसे किया जी महीन का, आपको बॉय हेयर कट क्यों अच्छे लगते हैं? अरसलान साहिब ने किया है, आपकी शादी कब होगी? लो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू समझ दुनिया। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और सबसे पहले जो मेरे ब्लॉग में न्यू है, काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करो यार, ताकि मेरे आने वाली वीडियो आप तक लाजमी जा सके। तो सबके क्वेश्चन मैंने इकट्ठे कर लिए, जो कि मैंने अपनी टिकटॉक आईडी में बताया था कि जल्दी जल्दी से मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, मैं हर सवाल का जवाब ज़रूर दूंगी। तो सबसे पहला सवाल है जी, सबसे पहला सबा हाशमी ने पूछा है, जो कि मुझसे पूछा है, कह रही है जी आपका रियल नेम क्या है? हर जगह मेरा नाम समन 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 के नाम से मशहूर है, लेकिन फिर भी उन्होंने पूछा है कि आपका रियल नेम क्या है और आपकी एज क्या है। जी सबसे पहले आपके क्वेश्चन का आंसर यह है कि मेरा रियल नेम समन है, जो कि पहले नहीं था, पहले मेरा नाम था इज्जत और उसको हमने चेंज करवा के समन किया नाम, तो मेरा रियल नेम ही समन है और मेरी एज 21 है, जो कि मैंने नवंबर को 23 नवंबर को 22 की हो जाना है इंशाल्लाह। अच्छा जी, हम वैसे मेरा ना घर में मानो 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 प्यार से मानो नेम लेते हैं सारे, मेरे बहन भाई मेरे जो क्लोज फ्रेंड है वो मुझे मानो कहते हैं, यानी कि मेरा निक नेम मानो है, रियल नेम समन है। और जो मेरे ओल्ड फ्रेंड थे ना, यानी कि जब मैं 3, 4, 5 क्लास में थी, वो मुझे अभी तक इज्जत के नाम से पुकारते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है जी महीन का, आपको बॉय हेयर कट क्यों अच्छे लगते हैं? अरे देखें, मुझे बॉय हेयर कट क्यों अच्छे लगते हैं जी, बॉय हेयर कट तो मैंने शुरू से ना, पता क्या, हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है। बहुत से लोगों को छोटे शॉर्ट बाल अच्छे लगते हैं, बहुत से को लॉन्ग अच्छे लगते हैं, जो हो गए किसी को इतने इतने, किसी को इतने, किसी को इतने, किसी को इतने, और मुझे बस अपने ना इतने बाल अच्छे लगते हैं, मैं इतने रखूँगी, इससे ज़्यादा मैं नहीं रखूँगी, क्योंकि घर वालों ने भी परमिशन दी हुई है, जो दिल करता है जितने मर्जी रखो, बस भरे रख लो, वो मैं रख लूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जी है हमारा, अरसलान साहिब ने किया है, आपकी शादी कब होगी? लो ये मुझे, ये कैसे क्वेश्चन होते हैं, देखिए आपकी शादी कब, मुझे क्या पता, अभी तो मेरे भाई की शादी है 15 नवंबर को, खैर से अभी शादी का बहुत टाइम है, क्योंकि अभी अपने मैंने लाइफ में बहुत कुछ करना है, अल्लाह करे कि वो सब कुछ कंप्लीट हो जाए, जो मेरी ख्वाहिशें जो मेरी विशेज़ हैं बहुत सी हैं, तो जैसे ही वो कंप्लीट होगी ना, तो इंशाल्लाह ताला शादी भी ज़रूर करवानी है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि शादी नहीं करवानी, शादी तो करवानी करवानी है, तो वो हो जाएगी, वो मेरे पे डिपेंड नहीं करता यार। आगे आज सलमान, आप कहाँ से हो? जी मैं लाहौर से हूँ, एरिया में जो एग्जैक्ट यहाँ रहती हूँ वो तो मैं बता नहीं सकती, वैसे चुंगी बहुत बड़ा है, चुंगी समझ लें, चुंगी बहुत बड़ा है, वहाँ से हूँ। अच्छा जी मोहम्मद उस्मान का है जी कमेंट, आप किसी जगह जा रही हो, आपकी बाइक ख़राब हो गई हो, तो आपके साथ ऐसा कभी हुआ है? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं किसी जगह जा रही हूँ और बाइक ख़राब हो गई हो, इस तरह कभी नहीं हुआ। लेकिन हाँ, मैं एक फ्रेंड के साथ जा रही थी रास्ते में और हमारी बाइक ख़राब हो गई थी, वो मेरी नहीं थी स्कूटी, वो मेरी फ्रेंड की स्कूटी थी, वो ख़राब हो गई थी और एक सुनसान सी जगह थी और मुझे इतना डर लग रहा था कि मैं कहती कि ना बस हम सही सलामत घर पहुंच जाए, क्योंकि वो मारे टोंग का रास्ता था और रात के 10:30 बजे का टाइम था और वहाँ पे कोई भी नहीं ना गुजर रहा था, अगर गुजरती थी तो एक आधी कार गुजर गई या इस तरह, डर बहुत लग रहा था। लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र, हमने ऑन द स्पॉट एक मैकेनिक को फ़ोन किया जो कि स्कूटी ठीक करते थे, फिर जाकर वो स्कूटी ठीक की, वहाँ आए तो फिर हम सही सलामत पहुँच गए। वैसे ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं अकेली और बाइक ख़राब हो गई हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं जी इमरान अली। अच्छा इमरान अली जो है ना, वो एक प्रैंकस्टर है, फनी प्रैंकस्टर है, ठीक है, उनको इमरान किल्ली के नाम से भी जाना जाता है, उनका प्रैंकस्टर का नाम है पाक प्रैंक ऑफिशियल, ठीक है, लाजमी सब्सक्राइब करें, बहुत अच्छे प्रैंकस्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी अनाबिया, आपकी एज कितनी है, टिकटॉक में कैसे कामयाब हो गई? बहुत अच्छा सवाल किया आपने अनाबिया, अनाबिया आप भी तो टिकटॉकर ही है ना, आई एम अनाबिया नाम की टिकटॉकर हैं, आप इनको भी ज़रूर सर्च कीजिए, तो बहुत अच्छी हैं और बहुत अच्छा टैलेंट है इनमें। जी बात यह है कि टिकटॉक में कामयाब होना का कोई राज नहीं है, जस्ट ऐसे स्टार्ट से मुझे इतनी टिकटॉक यूज़ करना अच्छा नहीं लगता था, बस ऐसे ही हो गई, अब हो गई क्योंकि अब तो जैसे पता ना एकदम जो वो चलती है, गुड लक चलती है, समझे आप, ऐसे ही गुड लक चल गई और कामयाब हो गई।
ऐसे गुड लक किसी की भी चल जाती है, वैसी चल गई। अच्छा जी, अनाया प्रिंस का क्वेश्चन है, आप मुझे ये बताएं आपने अपनी लाइफ में सबसे अच्छा कौन सा काम किया है जो आप अभी भी करती हैं। ये तो बहुत आपने अच्छा क्वेश्चन किया जी। मैंने सबसे अच्छा काम ये किया है कि मैं ना सबकी हेल्प बहुत करती हूँ, चाहे मैं मुश्किल में आ जाऊँ उसकी मदद करते करते, लेकिन मैंने ऐसा है कि मैंने सबकी हेल्प की है, कभी किसी को मैंने ना नहीं किया, जो कि अब आज तक मैं ऐसे ही करती आई हूँ, मैं सबकी हेल्प किया कभी ना नहीं किया। तो मुझे हेल्प करना दूसरों की बहुत अच्छा लगता है, वो अलग बात है मेरी कोई करता नहीं है। चले छोड़े इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्डन सैमी का। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप 21 की हैं लेकिन आप 21 की लगती नहीं है, वजह क्या है? ये बहुत जानों ने क्वेश्चन किया, बहुत से लोगों ने क्वेश्चन किया है, अब मैं आपको क्या बताऊँ। देखें मैं 21 की हूँ मगर मैं लगती नहीं हूँ। ऐसे ये है कि स्टार्ट से ना मैंने खुद ही अपनी खुराक बहुत कम रखी हुई है, वो दरअसल होता है स्टमिक इशू मेरा बहुत बन गया था। मेरा 6 ईयर तक स्टमिक इशू रहा है, जब मैं खाना भी खाऊँ कुछ भी खाऊँ मुझे नहीं लगता था, तो जिसकी वजह से मेरी ग्रोथ रुक गई। और वैसे भी एक इसमें एक और ख़ास बात यह है कि हमारे घर में ना जितने भी है ना पर्सन, यानी कि हमारी फैमिली लगा लें, उनकी एज बहुत बड़ी भी हो ना तो वो लगते लुकते कोई नहीं है, ये मैं ही नहीं हूँ, वो भी इस तरह वो नहीं लगते, जैसे कि मेरी सिस्टर, मेरा ब्रदर, मेरा सबसे छोटा भाई, वो लगते नहीं है। और मेरे ख़ास तौर पर मेरी मम्मा पापा नहीं लगते इतनी उम्र के, खैर से तो हम कहाँ लगेंगे फिर, जाहिर है फैमिली भी जाएंगे। चलें आपका क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वेलिया का। अच्छा आपका गेटअप किस वजह से आपने ये चॉइस किया? सेकंड उनका क्वेश्चन है, जब आप कॉलेज में थी तो तब आप ऐसे ही जाती थी, आपको रिश्तों के घर वालों ने आपने आपके घर वाले आपके परमिशन दी है वगैरह वगैरह। अच्छा जी मेरे सबसे पहली बात, आपका गेटअप किस वजह से, गेटअप की बात करते हैं तो जब मैं छोटी सी थी ना, मेरी नन्ही सी मुन्नी सी प्यारी सी, जो कि मैं अभी भी हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं हूँ, तो मेरी जो मेरा भाई था मुझसे भरा था, 2 साल मुझसे भरा है, वो ना कहता था जैसे मैंने डाला ना मेरी बहन को भी वैसे ही बनाओ, जैसे मैंने रहना उसके साथ जैसे एक दोस्त नहीं बहुत अच्छी, जो कि अभी भी हम हैं अल्हम्दुलिल्लाह और आगे भी रहेंगे, हर बात शेयर करते हैं, मैं अपने भाई के साथ वो मेरे साथ, हम शेयरिंग बहुत अच्छी है और हम बेस्ट फ्रेंड हैं। तो ना वो कहते थे जैसे मैंने रहना वैसे ही सुना, जैसे मैंने रहना वैसे, तो मेरी मम्मा ने उसकी तरह जैसे उसका ड्रेस लेके आना वैसे मेरा ड्रेस लेके आना, इस तरह चलता गया, तो इस तरह आप भी ऐसे ही हूँ। और अच्छा नहीं, जब वो आपने कहा परमिशन की बात किया तो मेरे भाई ने तो करवाया। तो चले अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महनूर अशरफ नाम है जिनका, मैं हर दफ़ा नाम गलत ले लेती हूँ, महनूर अरशद ले लेती हूँ, सॉरी उसके लिए। तो महनूर अशरफ का क्वेश्चन है, आप सब घर वालों के पास अलग अलग मोबाइल है? जी हाँ, हमारे घर वालों के पास सब अलग अलग मोबाइल है, लेकिन जो मेरा सबसे छोटा भाई है शहरोज, उसको हमने मोबाइल नहीं दिया, क्योंकि वो अभी मैट्रिक पास कर लेना, तब अभी उसकी 9th में सपनी आई है, तो उसको हम क्यों दें मोबाइल। तो बाकी आपने नेक्स्ट क्वेश्चन किया, सब टिकटॉक बनाते हैं या बस आप और शरोज? मेरी जो बहन है ना वो टिकटॉक स्टार है, मगर वो हमारी स्टार है, घर वालों की स्टार है, इसलिए वो प्राइवेट टिकटॉक करती है, उसका हम प्राइवेट ही रहने देते हैं क्योंकि अलाउ नहीं है। बाकी वो, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, जो वो है ना वो तो कमाल की टिकटॉकर है, मैं उसकी फ़ैन हूँ, यही समझ लें। आगे जी, बस अब जो हमने की हुई है पब्लिक में सिर्फ मैं और मेरा ब्रदर यानी कि शरोज। अच्छा जी, स्टाइलिश कुड़ी, वाह जी वाह स्टाइलिश कुड़ी, आप कभी रोई? कैसे क्वेश्चन कर दिया? हाँ रोई हूँ, एक दफ़ा नहीं रोई, बहुत दफ़ा रोई हूँ, लेकिन कुछ इस साल ना मैं कुछ सबसे ज़्यादा रोई हूँ, मुझे खुद नहीं समझ में क्यों रोई हूँ, मगर खैर हाँ रोई हूँ। रोने की भी वजह पूछेंगे आपकी, आप क्यों रोई, मैं आपको बता दूँ। सबसे पहली बात कि मेरी एक दोस्त थी, बहुत अच्छा सा ही रहा, जब दोस्त वगैरह फ्रेंड अलग होते हैं तो फिर रोना तो आ ही जाता है, तो उनकी शादी हो गई, तो दरअसल मेरा थोड़ा बहुत रोना निकल गया, थोड़ा बहुत नहीं कुछ ज़्यादा ही रोना निकल गया, क्योंकि फ्रेंड बहुत अच्छी थी, उनका नाम था, छोड़ें अगला क्वेश्चन अलीना का है जी, आपके बेस्ट फ्रेंड कितने हैं? मेरे बेस्ट फ्रेंड की बात करते हैं तो बेस्ट फ्रेंड तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो ख़ास की बात करते हैं वो सिर्फ 1-2 हैं,
तीन है, चार है, यार बहुत से खास है, क्या क्या कहूँ। मगर जो मेरे साथ हर वक्त हर मुश्किल में रही है ना, वो सिर्फ एक ही है, उनका नाम है फातिमा। ठीक है, तो बाकी भी मेरे सभी दोस्त हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे दोस्त हैं जो मेरे मुश्किल में साथ रही हैं, जैसे कि आपने पूछा है, तो उनका सिर्फ वो जो मुश्किल में मेरे वक्त साथ रही हैं वो फातिमा है। ठीक है ना, उनके अलावा दोस्त तो बहुत हैं, सभी अच्छी हैं, ऐसा नहीं कि मेरे दोस्त कोई इस तरह नहीं, सभी अच्छी हैं, बस वो सबसे खास हैं। ठीक है, क्योंकि उन जो मैं हूँ ना, जो मैं इस टाइम हूँ, मैं उन्हीं की वजह से हूँ, क्योंकि उन्होंने ही मुझे आज तक पढ़ाया लिखाया, आगे बढ़ाया और बहुत कुछ करवाया, मेरी बहुत सी ख्वाहिशात जो उन्होंने पूरी की हैं। चले जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नेम उनके मारिया। मारिया ने कहा जी, आपने कभी चोरी की? ये कैसे क्वेश्चन है यार, तूने भी लिख दिया, ये मैंने अपनी सिस्टर से लिखवाया कि मुझे एक जगह लिख दो, मैं मोबाइल में नहीं पढ़ सकती हूँ। बताओ की तो है। बता दूँ? अच्छा जी, मारिया पूछ रही है आपने कभी चोरी की, तो चोरी पैसों वाली चोरी या किसी के दिल वाली चोरी? पैसों वाली। अच्छा पैसों वाली। अच्छा पैसों वाली। हाँ, मैं थी तब 9th क्लास में, भरी थी, छोटी नहीं थी, तो मेरे पास पैसे पूसे नहीं थे, तो हमारी थी स्कूल में पार्टी, तो पैसे थे मगर बहुत ही कम थे, तो मैंने फिर पापा के पर्स से पैसे चोरी करके अपने छोटे भाई पे इल्ज़ाम लगा दिया था। मगर मैंने सच बताया, वो भी मुझे कहता है कि पकड़े तुमने, इल्ज़ाम मेरे पे लग गया। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आमिना नूर, आपको कभी किसी ने मारा? नहीं यार, किसने मारा है? एक दफ़ा ना मुझे मेरी मम्मा से एक दफ़ा ऐसा थप्पड़ पड़ा था जो कि मुझे आज तक याद है, वो बहुत ज़ोरदार थप्पड़ था यार, वो भी बाहर मेन पे, मेन रोड पे टॉक करके थप्पड़ पड़ा। और अब आप सोच रहे होंगे कि थप्पड़ क्यों पड़ा, ऐसी क्या वजह थी जो मुझे थप्पड़ पड़ा। चलिए मैं बता ही देती हूँ, वो ना मैं कहीं बाहर गई हुई थी अपने फ्रेंड्स के साथ, गई हुई थी, और मेरी मम्मा जाहिर है वेट करते करते, इंतज़ार करते करते बहुत टाइम हो गया था, तो आपको पता है फ्रेंड्स में तो पता ही नहीं लगता यार कब कितनी देर हो गई है, जिसकी वजह से जब मैं आई ना घर, तो मेरी मम्मा ने ओह क्या थप्पड़ लगाया। मगर मैं छोटी थी, भरी नहीं थी, अब मेरी मम्मा मुझे कुछ नहीं आती, तब मैं हूँ भी कोई 8th क्लास में थी, तो तभी उसके बाद मुझे कभी मारनी पड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे का कोई काम ही नहीं किया उसके बाद। स्टाइलिश मुंडा, कभी स्टाइलिश कुड़ी कभी स्टाइलिश मुंडा। अच्छा जी, आपकी खूबसूरती का राज क्या है? फिशल क्रीम। तो वैसे नमाजें हैं भाई, नमाजें पढ़ती हूँ, तो खूबसूरती तो वैसे ही आ जाती है, नमाजें पढ़नी चाहिए हर एक को, वैसे मैं पढ़ ही लेती हूँ कभी कभी, तो खूबसूरती अल्लाह पाक ने दी है, हर एक इंसान खूबसूरत है, एक खूबसूरत नज़र होने की बात होती है बस, के जिसकी खूबसूरती ज़्यादा नज़र अच्छी है ना, तो उसे तो हर चीज़ पर ही, एक नॉर्मल सी चीज़ पर ही भी खूबसूरत लगती है, तो जिसकी वजह से ऐसे है, बाकी हमारी नज़र में हर इंसान ही खूबसूरत है। चले जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अहमद, आपने शादी किससे करवानी है? देखें, शादी, अभी मुझे कुछ बन तो लेने दो, मैं लगती, मेरे मुंह से लगता है शादी वाली, अभी नहीं, अभी मैंने शादी नहीं करवानी, मुझे अभी कुछ बनना है, अपनी ख्वाहिशात कुछ पूरी करनी है, तो शादी भी हो जाएगी। और बाकी शादी ये कि अगर आप पूछ रहे हैं इस मामले के लव मैरिज या अरेंज मैरिज, तो अरेंज मैरिज ही बेस्ट होती है, लव मैरिज बेस्ट नहीं होती मेरे अंदाजे से। मैंने एक प्रोग्राम भी किया था जिसमें सबने ज़्यादातर अरेंज मैरिज को ही प्रेफर किया था, और मैं भी इसी को प्रेफर करती हूँ, क्योंकि जो माँ बाप हमारे लिए फैसला करते हैं ना, वो सबसे बेहतर होता है, तो माँ बाप की मर्जी के मुताबिक शादी होगी इंशाल्लाह। हाँ, अगर लाइकनेस की बात करें तो अगर कोई पसंद आ भी जाए, हो जाता है यार कभी कोई पसंद आ भी जाए, तो खुद से शादी नहीं करने पड़े, बल्कि मम्मा पापा को बताएंगे भाई हमें ये पसंद है, ये मैं ही नहीं कह रही, मैं आपको भी कह रही हूँ, अगर आपको भी कोई पसंद आ जाए तो आप अपने सबसे पहले मम्मा और पापा को बताया करें, उसके बाद आप उनके मुताबिक किया करें, अगर वो कह दें ना तो प्लीज़ उनको तंग ना किया करो, जो आपको सारी ज़िंदगी पालता खिलाता पिलाता भरा करता है, तो कुछ ख्वाहिशात उनके लिए भी रहने दिया करें, उनके उन पर छोड़ दिया करें। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। समीर का पूरा नाम क्या है? आपने कभी किसी को धोखा दिया? मैंने और धोखा, मुझे बहुत धोखे मिले हैं, लेकिन मैंने कभी किसी को धोखा, सोच लेती हूँ।
है, किसी को दिया नहीं, मेरा नहीं ख्याल, मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, बल्कि मुझे बहुत से धोखे मैंने अपने दोस्तों से बहुत से, मगर मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, ना मेरी ये आदत है किसी को धोखा देने की, क्यों, मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। अच्छा जी, साध्या का मैसेज है, आपने किसी को प्रपोज किया? कभी मैंने किसी को प्रपोज किया? हाँ, नहीं नहीं, जब मैं ना बहुत छोटी थी, एक बच्चों वाला माइंड होता है, बच्चे बच्चे जैसे होते हैं ना, मैं कोई सेवन्थ क्लास में थी, तो बचपना जिसे कहेंगे बचपना वैसे ही था। बचपन में मैंने ना किसी को ऐसे ही लॉकेट गिफ्ट कर दिया था, तो लाइकनेस के हिसाब से, प्रपोज की बात नहीं है, लाइकनेस के हिसाब से, लेकिन फिर मुझे जो मार पड़ी, उसके बाद मैंने कभी नाम भी नहीं लिया, प्रपोज का नाम भी नहीं सुना। आप प्रपोज की बात करते हैं, मैंने तो नाम भी नहीं सुना, मैंने लेना पसंद किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सैफ अराइन अराइन। अच्छा जी, आप किस बात से सबसे ज़्यादा हैप्पी होती हैं? किस बात से सबसे ज़्यादा हैप्पी होती हैं? जब मेरी मम्मा खुश होती हैं, मैं उस बात से सबसे ज़्यादा हैप्पी होती हैं, जब मैं अपनी मम्मा को खुशी में देखती हूँ ना, मैं खुद इतना खुश हो जाती हूँ, हालांकि मुझे कोई रीज़न पता भी हो या ना हो, लेकिन जब मेरी मम्मा खुश होती हैं मैं बहुत खुश होती हूँ, इस बात से मैं सबसे ज़्यादा हैप्पी होती हूँ, और कोई बात नहीं। अच्छा जी, अलमास साहब का क्वेश्चन है, अलमास, मेरी बहन का नाम भी अलमास है, अलमास आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथिक डॉक्टर भी हैं और रेफ्रिजरेटर इंजीनियर भी हैं और प्रॉपर्टी डीलर का भी काम करते हैं, माशाल्लाह तीन तीन काम करते हैं मेरे पापा। और जी अली अली आगे स्टाइलिश सा उन्होंने कुछ लिखा है, अली नाम है उनका, आपके किन लोगों पर ज़्यादा, आपको किन लोगों पर ज़्यादा गुस्सा आता है? मुझे किन लोगों पर ज़्यादा गुस्सा आता है? हाँ, मुझे आता है उन लोगों पर ज़्यादा गुस्सा जो कि बैड बैड कमेंट्स करते हैं किसी के बारे, ना किसी के जानते हैं ना पहचानते हैं, ऐसे बैड कमेंट कर देते हैं। एक मिनट, इससे क्या होता है, मुझे ऐसे के लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो किसी की लाइफ में इंटरफेयर करके उनको कुछ भी कह दें, कुछ भी गलत कहते हैं, जो कि मुझे ऐसे के लोग बहुत बुरे लगते हैं, बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं। मुझे ऐसे के लोग पसंद नहीं है जो किसी के बारे में कमेंट पास करते हैं। यार भाई, आप लोग कौन होते हैं कमेंट पास करने वाले किसी की लाइफ के बारे में, वो भी, या जो इंसान जो भी कर रहा है उसको, उसके हाल पे छोड़ो, आपको चाहिए नहीं किसी की लाइफ में इंटरफेयर करना, ठीक है ना। आपको अपनी लाइफ में देखें कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, तो दूसरों पर नज़रें हटा के ज़रा अपनी लाइफ पे ध्यान ही दें तो अच्छा है। ऐसे अच्छा जी, असमत का क्वेश्चन है जी, असमत का क्वेश्चन है जी, आपका व्हाट्सएप नंबर क्या है? मेरा व्हाट्सएप नंबर है जी 0324 ब्ला 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 ब्ला, मैं इससे आगे नहीं बता सकती क्योंकि ये इसका मैं जवाब नहीं दे सकती आपको। अच्छा जी, उन्होंने सेकंड क्वेश्चन मुझसे किया है, मैंने बार बार बताना, सेकंड क्वेश्चन मुझसे किया है, आपको गेम कौन सी पसंद है? गेम मुझे वो खेलने वाली गेमें जो मोबाइल में होती है, हाँ वो वाली गेम्स लिखी। अच्छा जी, वो मुझे कोई नहीं पसंद, पबजी तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, मेरे भाई को बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे एक मैंने गेम जो कि मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट की थी, वो थी वो जो आजकल भी चल रही है, गेमों में पड़ी होती हैं, ऐसे ऐसे खेलते हैं, है ना, टेकन थ्री स्नो ब्रॉस वगैरह वगैरह, मुझे गेमें पसंद हैं। बस शुक्र है, क्वेश्चन ख़त्म हो गए। और यहाँ पे एक क्वेश्चन जो कि मैंने एक पर्सनली रखा हुआ था वो ये है, अभी आपको बताती हूँ, बाकी क्वेश्चन के सबके मैंने आंसर दिए हैं, ऐसा कोई नहीं है जिसका मैंने आंसर नहीं दिया, मैंने इजी करवा लिया, मैं पेज पे लिखता हूँ, मोबाइल पे तो मैं देख ही नहीं सकती बिल्कुल भी। अच्छा जी, रिबा खालिद जो के सबसे अच्छा क्वेश्चन उन्होंने किया है। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, क्वेश्चन इज, यू डू जॉब, अगर आप जॉब करती हैं, एंड व्हाट यू विल टू से एवरी गर्ल हाउ शुड लीव हर लाइफ। देखिए, लड़कियों के लिए ना ज़िंदगी गुजारना, बाहर जाके जॉब करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत से लोग होते हैं जो लड़की को जानते भी होते हैं मगर तरह तरह की बातें करती हैं। मैं एक बात कहूँगी, आप लोग ना अपने आप को ठीक रखो। बहुत सी लड़कियाँ देखें जो कि मैं अपना भी कहती हूँ, मेरे साथ भी होती हैं, लेकिन वो जब बाहर जाती हैं वो गलत रास्ता
सेलेक्ट कर लेती हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर लड़की को अपने लिए कुछ करना चाहिए ना, उससे अपने आप को ठीक रखना चाहिए, ना कि ये लोगों की बातों में आना चाहिए। बहुत से लोग हैं जाहिर है, गलत जगह पे ले जाते हैं, गलत बातें कुछ भी, मगर हम सब समझदार हैं, तो हमें चाहिए कि हम अपनी, अगर हमने अपनी ख्वाहिशात अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, तो हम ना अच्छे तरीके से एक जॉब करें अच्छी सी, भटके ना वही जॉब करते रहें और आप ज़रूर कामयाब होगे। लड़की को ज़्यादातर पढ़ना चाहिए और जो भी उनकी ख्वाहिश है वो लाजमी पूरी करनी चाहिए। कल को खुदा ना खास्ता जो कि मेरी बहुत सी फ्रेंड के साथ हुआ है कि उनके हस्बैंड उनको छोड़ देते हैं, ठीक है, जो कि मेरे सामने भी हुए ये वाक्य, तो वो आगे से कुछ नहीं करती। यार लड़कियों को इतना पढ़ना चाहिए कि अपने आप को स्टैंड रख सकें, वो आगे अपनी लाइफ को मूव ऑन कर सकें, वो बढ़ा सकें। ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप अपनी लाइफ को रोक दें। ख़ास तौर पर लड़कियों के बारे में हर चीज़, ठीक है, मुश्किल होती है, लड़कियों को बहुत सी बातें सुननी पड़ती है, लेकिन आप सबको इग्नोर किया करें, सबको इग्नोर किया करें और अपने आप लाइफ को मूव ऑन करें और अच्छी सी कोई जॉब करें और अपने आप को स्टेबल करें, ठीक है। तो जो लड़कियां कर सकती हैं ना, वो कोई नहीं कर सकता। लड़कियां बहुत बहादुर होती है, सिर्फ सोचने की बात होती है, हिम्मत पैदा करने की बात होती है। और अपने आप को ज़रा सा स्ट्रॉन्ग करें, ये गर्ल्स के लिए, अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करें कि आपको कोई बात ना कर सके। बाकी बातें, अब वो कहते हैं ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लोग तो आपको कहते ही रहेंगे, किसी को बुरा, किसी को अच्छा, किसी को पता नहीं क्या, किसी को पता नहीं क्या। मैं अभी, मेरी ये बहुत अच्छी आदत ही कहूँगी कि मैंने कभी भी किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं किया। यार वो क्या कर रहा है, हम मेरे साथ वाले घर में हमारी लड़ाई हो रही होती है, मैंने कभी नहीं जाके उस जगह में जाके खड़े होकर नहीं देखा यार ये क्यों लड़ रहे हैं या क्या ऐसी वजह है। किसी किसी को बहुत आदत होती है, यार देखिए तो सही, इतने होया कि आपको क्या लगे, किसी का घर है वो, उनका अपने फैमिली मैटर है, वो कुछ भी करें। तो देखिए लड़कियाँ जो होती हैं ना, पाँच उंगलियाँ बराबर नहीं होती, छोटी बड़ी है ना, ये तो सबको पता है। तो हर लड़की बदतमीज़, जाहिल, ये जो आप लोग कहते हो ना, ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ आपकी सोच होती है, ठीक है। और बाकी लड़कियों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, आप इतनी स्टडी कर लें कि अगर आपको कोई छोड़े भी ना, तो आप अपने लिए कुछ कर सकें और अपनी अच्छी से अच्छी जॉब करें। और सिर्फ जॉब अगर करते हैं ना, अपनी फैमिली को सपोर्ट करें, तो सिर्फ जॉब ही करें, किसी के कहने पर आप इधर उधर ना भटकें, ठीक है। थैंक यू सो मच। और मैंने सबके क्वेश्चन के आंसर दे दिए हैं अच्छा, मैंने सबके क्वेश्चन के आंसर दे दिए और मुझे लगता है कि आई होप आपको ये क्वेश्चन के आंसर भी बिल्कुल ही अच्छे लगे होंगे, क्योंकि मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया। जो मुझे क्वेश्चन नहीं भी सही लगे, मैंने उनके भी जवाब दे दिए और अपने बारे भी आपको सब कुछ बता दिया। बाकी जी सबसे अहम क्वेश्चन ये है कि आपने मास्टर कैसे किया। मैंने मास्टर कैसे किया, देखें बहुत से लोगों ने ये क्वेश्चन किया है, उनका बहुत से लोगों का नाम तो नहीं लूँगी, याद करना भी बहुत। मास्टर ये है कि मास्टर करने के लिए ना मैंने बहुत मेहनत की है। कोई कहते हैं आपने इतनी छोटी उम्र में, ऐसा नहीं है, छोटी उम्र में नहीं है। अगर आप अब देखना, एक साल में दो क्लासें इकट्ठी हो सकती हैं, क्यों नहीं हो सकती। ऐसे ही मैंने की है, तो कुछ क्लास है जो मैंने इकट्ठी की है, उसके बाद जल्दी जल्दी से मैंने मास्टर करी। अभी भी मुझे मेरी फैमिली कह रही है एम फिल कर लें, मैं थक गई। मुझे अब कुछ करने दो, छोड़ दो, पढ़ाइयाँ ख़त्म होगी। मेरी मम्मा की सबसे पहली ख्वाहिश थी कि भाई मैम, पहले मेरी मम्मा कहती थी, मैंने टेंथ की थी, चल ग्यारहवीं बारहवीं कर ले। मैं कहा चलो ठीक, ग्यारहवीं बारहवीं कर ली। फिर जब बारहवीं क्लियर, तेरहवीं चौदहवीं कर लो, फिर वो की, फिर ज़ाहिर खुद में जुनून पैदा हो गया, चल मास्टर कर लेते। फिर मैंने मास्टर करके भी अपनी मम्मा को दिखा दिया, ये जी मास्टर। अब मैं कहती हूँ बस, अब मैंने नहीं पढ़ना आगे, मैं इतनी सुबह, फिर कहते उन्होंने मास्टर करके क्या छोटी हो गई हो, कस गई हो, इसलिए बस इतना ही काफ़ी। अब मैं अपनी लाइफ को आगे करना चाहती हूँ, अच्छी से अच्छी जॉब करूँगी और चलता रहेगा सिस्टम। बाकी आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।